जहरीला इंजेक्शन लगाकर महिला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। गुरुवार की रात जरीपटका थाना अंतर्गत हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस ने कमरे से 4-5 सिरिंज जब्त की है, सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसके आधार पर आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया है। मृतक का नागसेन नगर स्थित प्लॉट नंबर 22 निवासी डॉक्टर आकांक्षा अमृत मेश्राम है। वह MBBS MD थी। सोलापुर के सरकारी अस्पताल में वह अपनी सेवाएं दे चुकी थी। गत एक वर्ष से वह नागपुर में अपने माता पिता के घर में रह रही थी। गुरुवार को रात करीब 9 बजे वह घर में ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में मृत पाई गई। घटना की सूचना मिलते ही जरीपटका पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे में 4 से 5 सिरिंज पुलिस को मिली है, जिसमें से 1 से 1.5 सिरिंज का इस्तेमाल हुआ था। पोस्ट जरीपटका येथे अकस्मात मयत दाखल आहे। यामध्ये मृतक महिला आहे, 34 वर्ष वय, नागसेन नगर येथे राहणारी आहे। तिने दिनांक 10 रोजी संध्याकाळच्या सुमारास घरामध्ये, ही महिला डॉक्टर होती आणि डिवोर्सी होती, तिचा डिवोर्स झालेला आहे पतीपासून, आणि नोव्हेंबर 20 पासून ती या ठिकाणी आई वडिलांकडे राहण्यास होती। ती डॉक्टर होती परंतु काही नोकरी किंवा क्लिनिक नव्हती, प्रॅक्टिस करत नव्हती। नैराश्यातून आत्महत्या केल्याचं समोर आलेलं आहे। एक सुसाईड नोट तिच्या रूममध्ये आम्हाला मिळालेली आहे, ती जप्त केलेली आहे तपासकाने। तसा संशय कुणावर नाही, तिने सिरिंजमधून औषधी घेऊन सुसाईड केलेलं आहे, त्यावर तपास पोलीस स्टेशनला चालू आहे। बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 में आकांक्षा की शादी हुई। शादी के करीब 2-3 वर्ष बाद ही आपसी रजामंदी से उसका तलाक हुआ। तलाक के बाद आकांक्षा एकांत में और तनाव में रहने लगी थी। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। ज्यादा से ज्यादा समय वह अपने कमरे में बिताती थी। वैवाहिक जीवन बिखरने के बाद से आकांक्षा टूट गई थी। संभवतः इसके चलते उसके आत्मघाती कदम उठाने की आशंका है। तलाशी के दौरान पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। इसके आधार पर उप निरीक्षक नाइकवाड़े ने आकस्मिक मृत्यु के तौर पर प्रकरण दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रकरण की जांच के बाद गंभीर खुलासा होने की संभावना है। जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।